नहीं होती। और अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पूर्णार्ये महति श्रमाश्रयोस्य कार्यः। भगवान ने कहा कि यमुनाचार्य के शिष्य जो महापूर्ण स्वामी हैं, उन्हीं महापूर्ण स्वामी की शरणागति रामानुजाचार्य करें, उन्हीं से जाकर के समाश्रयण ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान ने जो उत्तर दिया वो सारा उत्तर कांचीपूर्ण स्वामी ने आकर के रामानुस्वामी को बताया। रामानुस्वामी को समाधान मिल गया और रामानुस्वामी ने फिर महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर के समाश्रयण किया, महापूर्ण स्वामी से दीक्षा प्राप्त की। ये महापूर्ण स्वामी यमुनाचार्य जी के शिष्य थे और परम ज्ञानी थे। भगवान ने आदेश किया कि उन्हीं से आप दीक्षा ग्रहण करो, तो रामानुस्वामी ने जाकर के महापूर्ण स्वामी से दीक्षा ग्रहण। ये दीक्षा की कथा भी बड़ी अद्भुत थी। रंगम पहुंचे, श्री रंगम पहुंचे, श्री रंगम में जाकर के स्वामी जी से कहा कि आप मुझे वैष्णव दीक्षा दे दो। स्वामी जी ने कहा अच्छा, आजकल होता रहा, टलता रहा। फिर वहां से महापूर्ण स्वामी जी यात्रा पर चल पड़े तो रामानुस्वामी उनके साथ साथ। बोले दीक्षा कब होगी? तो महापूर्ण स्वामी ने कहा आप चलो कांची में चल करके दीक्षा देंगे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, उसी जंगल में रात्रि में विश्राम किया। वहां पर राम जी का एक मंदिर था, कोदंड पाणी भगवान का मंदिर, वहीं विराजमान हुए। महापूर्ण स्वामी सो रहे थे, रामानुस्वामी को नींद नहीं आई। रात भर सोचते रहे क्या करें, अभी तक मैं वैष्णव नहीं बन पाया, मेरी शरणागति नहीं हुई, स्वामी जी ने मेरी शरणागति नहीं कराई और मुझे वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। अगर कहीं मेरा शरीर छूट गया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, कब आ जाए कहां आ जाए कोई ठिकाना नहीं। रात्रि में रामानुस्वामी को नींद नहीं आई और रात्रि में रामानुस्वामी ने अर्धरात्रि में उठ करके अपने स्वामी जी से, महापूर्ण स्वामी से कहा, स्वामी जी आप अभी मुझे वैष्णव बनाओ, अभी आप मुझे वैष्णव दीक्षा दो। स्वामी जी ने कहा अर्धरात्रि में चल करके कांची में वैष्णव दीक्षा हो? तो रामानुस्वामी ने कहा गुरुदेव जीवन अनित्य है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता हम कांची न पहुंच पावे, सवेरे मेरा शरीर पूर्ण हो जाए। उस स्थिति में बिना वैष्णव हुए, बिना वैष्णव दीक्षा लिए मृत्यु हो जाएगी, तो यह तो जीवन मेरा बेकार हो जाएगा, इसलिए आप मुझे अभी दीक्षा प्रदान करें, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो सकता है भगवान के वियोग में। और रामानुस्वामी की इस अनन्यता को, उनकी निष्ठा को देख करके अर्धरात्रि में उनके गुरु महापूर्ण स्वामी ने वहीं पर जंगल में दीक्षा दे दी। इसीलिए हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में आज भी परंपरा है कि दीक्षा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। रात के 12 बजे भी कोई जीव आ जाए कि मुझे वैष्णव बना दो, वैष्णव दीक्षा दे दो, तो रात के 12 बजे भी उसको दीक्षा हो जाती है। हमारे यहां कारण यही है कि रामानुस्वामी ने जब अर्धरात्रि में दीक्षा ग्रहण किया कि भाई जीवन अनित्य है, कोई ठिकाना नहीं, और बाकी सब कार्य के लिए मुहूर्त है, भगवान की शरण में आने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जब आप शरण में आओ वही मुहूर्त। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम की शरण जाए साईत सुदिन नहेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए साईत और सुदिन नहीं देखा जाता। भगवान की शरण में जाने के लिए न कोई मुहूर्त होता है, न भगवान की शरण में जाने के लिए कोई काल का निर्धारण है, न अवस्था का निर्धारण है। आप किसी भी अवस्था में शरणागति कर लो, आप न नहाए हो, स्नान नहीं किए हो, अपवित्र हो, बोले उस दशा में भी आप भगवान की शरणागति के अधिकारी हो। क्यों? बोले शरणागत जो होता है वो नहा धो करके पूरी तैयारी करके थोड़ी शरण में आता है, वो तो विपत्ति आई तो प्राण बचाने के लिए भगा और जिस परिस्थिति में था उसी परिस्थिति में आ गया। इसलिए शरणागति में कोई ऐसा नियम का प्रतिबंध नहीं है, आप कभी भी भगवान की शरणागति करो। द्रौपदी ने भगवान की शरणागति कब की? महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी रजस्वला थी और एक वस्त्र में थी, उस समय दुशासन जब उनके वस्त्र को खींचने लगा तो उस समय द्रौपदी ने शरणागति की। द्रौपदी ने कहा गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरव ही परिभूताम माम किम न जानाशि केशव। हे गोविंद, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानाम सखे। हे पांडवों के सखा, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं, मेरी लाज बचाओ। उस रजस्वला द्रौपदी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान का वस्त्रावतार हो गया। कहने का भाव कि भगवान की शरणागति में कोई मुहूर्त, काल का नियम
नहीं है। काल देश नियमो नास्ति, काल का देश का कोई नियम नहीं है। कहीं भी किसी काल में किसी देश में आप भगवान की शरणागति कर सकते हैं। तो रामानुज स्वामी ने महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर भगवान का समाश्रयण किया और महापूर्ण स्वामी ने पंच संस्कार किया। शरणागति में वैष्णव दीक्षा में पांच संस्कार होते हैं, तापह पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागस्य पंचमः। ताप संस्कार, पुंड्र संस्कार, मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और याग संस्कार। ताप संस्कार में भगवान के शंख चक्र की मुद्राओं को अग्नि में तप्त करके शरणागत की भुजाओं को अंकित किया जाता है और फिर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड और नामकरण, नामम कुर्याच्च वैष्णवम, नाम के आगे दास शब्द जोड़ करके दासांत नामकरण होता है और फिर मंत्र का उपदेश और फिर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करवाते हुए आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे प्रभो, हे दया सिंधो, ये जीव जो आपकी शरणागति कर रहा है एनम रक्ष, आप इसकी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, आप इस पर कृपा करो। इस प्रकार उस जीवात्मा का निवेदन गुरुदेव भगवान से करते हैं, तब उस जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो महापूर्ण स्वामी ने रामानुज स्वामी की अर्धरात्रि में शरणागति कराई, रामानुज स्वामी ने शरणागति कर ली और फिर वहां से कांची में आकर वो भगवान का कैंकर्य सेवा करने लगे। बड़ी बड़ी कथाएं हैं रामानुज स्वामी की, और भी बहुत शेष चरित्र हैं। गोष्ठी पूर्ण स्वामी नाम के एक महात्मा थे, उनसे रामानुज स्वामी ने मंत्रार्थ सुना। मंत्रार्थ क्या है? हमारे चावला जी बैठे हैं, इनके पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे अयोध्या की जो महान विभूति पूज्य महाराज श्री सरकार जिनको हम लोग कहते हैं, तो पूज्य महाराज श्री ने एक मंडपम बनाया जिसका नाम राम मंत्रार्थ मंडपम। तो जो मंत्र हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और राम जी का मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, तो ये मंत्र सुनने में तो केवल इतना बड़ा लगता है, दो अक्षर का, चार अक्षर का, आठ अक्षर का मंत्र, लेकिन इस मंत्र का अर्थ इतना विस्तृत है, केवल राम रामाय नमः ये छह अक्षर, ओम नमो नारायणाय ये आठ अक्षर, इस आठ अक्षर और छह अक्षर के मंत्र का अर्थ कितना है? बोले वो अर्थ लिपिबद्ध किया जाए तो 300 पेज की एक किताब जितना, उसका केवल अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ है। उसमें चतुर्थी विभक्ति क्यों है, नमः क्यों है, न का अर्थ क्या है, म का अर्थ क्या है, कितने कितने रहस्य उसमें है, उसको कहते हैं मंत्रार्थ। और मंत्रार्थ उसे सुनाया जाता है जो व्यक्ति बहुत ही अनन्य भक्त हो। क्यों? बोले मंत्रार्थ को धारण करने की, समझने की क्षमता सबको नहीं होती, सबको उसका विश्वास और भरोसा नहीं होता, और मंत्रार्थ जिसे प्राप्त हो जाता है वो वैकुंठ का परम अधिकारी होता है। उसी मंत्रार्थ को हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत गोपनीय रखा, उसी मंत्रार्थ के नाम पर अयोध्या में महाराज श्री ने मंत्रार्थ मंडपम बनाया। तो वह मंत्रार्थ की जो परंपरा है, वह मंत्रार्थ गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने रामानुजाचार्य जी को बताया और कहा देखो सबको मत बताना, क्योंकि इस मंत्रार्थ को जो सुनेगा वो वैकुंठ का अधिकारी होगा और जो इसके अधिकारी नहीं है उनको ये अर्थ नहीं सुनाना चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर अधिकारी नहीं है फिर भी अगर ये सुना देंगे तो उनको भी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो रामानुज स्वामी ने कहा कि अगर आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो गुरु जी ने कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा का जो उल्लंघन करे वो नरक में जाता ही। लेकिन रामानुज स्वामी आकर के सोचने लगे कि इस मंत्रार्थ का इतना महत्व है, इसे जो सुनेगा वो वैकुंठ का अधिकारी होगा, तो मैं सबको सुना दूं, सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाए। इतनी उदारता रामानुज स्वामी के अंदर। लोगों ने कहा अरे गुरु के बताए हुए रहस्य को तुम इस प्रकार सुना दोगे तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी, उसका पाप लगेगा। तो रामानुज स्वामी ने कहा पतिश्चे एक एवाहम नरके गुरुपातकात, मैं अकेले नरक में जाऊंगा मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इतने लोग वैकुंठ चले जाएंगे इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। और
उदारता के समुद्र भगवान रामानुजाचार्य मंदिर के द्वार पर खड़े हुए। मंदिर का जो द्वार होता है उसको गोपुर कहते हैं, दक्षिण में गोपुर पे चढ़ गए। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो, गोपुर पे चढ़ करके उच्च स्वर से मंत्र का और मंत्रार्थ का उच्चारण कर दिया। हजारों लोगों ने सुना, सूते नर परे जाग 72 श्रवण धारे। उन सुनने वालों में 72 लोग ही उसको सुनकर के समझ पाए और धारण कर पाए, सब नहीं समझ पाए, इतना रहस्यमय था। वही 72 लोग आगे चलकर के रामानुज स्वामी की परंपरा में पीठाधिपति हुए, वही 72 पीठें स्थापित हुई जिनके द्वारा भक्ति का विस्तार हुआ। जब गोपुर पे चढ़कर के रामानुज स्वामी ने सब सुना दिया, श्री प्रियादास जी महाराज टीका में कहते हैं कि गुरु उपदेश मंत्र कहो नीको राखो, अंत जपत ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई। भगवान के इस रहस्य को, मंत्र के इस रहस्य को गुरु जी ने कहा इसको अपने अंतर में रखना। मंत्र का मतलब बोले जिसको अपने अंतर में रखा जाए, अंतर माने अंतर, अपने अंदर जिसे छिपा करके रखा जाए। तो गोपुर पे चढ़ करके सब सुना दिया। गुरु जी ने कहा तुमने अपराध किया। गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा कि इस रहस्य को तुमने सबको बता दिया, तुम्हें नरक का डर नहीं? तो रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव पतिश्चे एक एवाहम नरके गुरुपातका, गुरुपातक से मैं अकेले नरक में जाऊंगा लेकिन इतने जीव भगवत धाम चले जाएंगे, ये कितनी अच्छी बात होगी। रामानुज स्वामी की इस उदारता को देखकर उनके गुरु जिन्होंने मंत्रार्थ सुनाया था श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी, उन्होंने उठा करके रामानुज को हृदय से लगा लिया। रामानुज तुम नरक नहीं जाओगे, जो तुम्हारा नाम लेगा वो बैकुंठ चला जाएगा, तुम नरक क्यों जाओगे? महाराज उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा रामानुज जो तुम्हारा स्मरण करेंगे, जो तुम्हारे संबंधी होंगे, जो तुम्हें अपना आचार्य मानते होंगे, वे सब बैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। तुम्हारी ये उदारता इतनी विलक्षण है। ऐसे उदार रामानुज स्वामी ने गोपुर पे चढ़कर के मंत्रार्थ को बता दिया। और भी इनके जीवन के बड़े दिव्य दिव्य चरित्र हैं। तिरुपति बालाजी जहां आप दर्शन करने जाते हो, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में, वे तिरुपति बालाजी रामानुज स्वामी के शिष्य बन गए, यह भी कथा है। पहले उनको वहां के लोग कार्तिकेय समझते थे, तेल चढ़ाते थे, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय समझकर उनकी पूजा लोग करते थे। तो एक दिन भगवान तिरुपति बालाजी ने रामानुज स्वामी को स्वप्न दिया कि मैं यहां पर्वत पर विराजमान हूं, यहां के लोग मुझको कार्तिकेय समझ करके, अय्यप्पा स्वामी समझकर मुझको तेल चढ़ाते हैं, आप आओ और आकर के मेरा उद्धार करो, वैष्णव विधि से मेरी पूजा करो। तो रामानुज स्वामी 1000 सन्यासियों को, वैष्णवों को लेकर के वहां पधारे, राजा को बुलाया, शास्त्रार्थ हुआ। राजा ने कहा कैसे निर्णय होगा? जो कार्तिकेय स्वामी के उपासक थे उन लोगों ने कहा नहीं ये तो कार्तिकेय हैं, वैष्णवों ने कहा ये भगवान नारायण का विग्रह है, लेकिन विग्रह में कोई चिन्ह नहीं था। तिरुपति बालाजी जो भगवान है ना, उनके विग्रह में ऊपर शंख चक्र तो दिखता है लेकिन वो शंख चक्र ऊपर से लगता है, उनके निजी विग्रह में कोई वो चिन्ह नहीं है। ऊपर की दोनों भुजाएं ऐसे हैं और नीचे की भुजाएं ऐसे हैं, चतुर्भुज रूप है ये चार मुद्रा, तो चिन्ह कोई नहीं, न शंख न चक्र न धनुष न बाण न त्रिशूल न डमरू, तो उनको क्या समझा जाए वो नारायण है कि कार्तिकेय है कि विष्णु है। तो राजा ने कहा इसका निर्णय कैसे होगा? तो राजा ने एक युक्ति निकाली। राजा ने कहा ऐसा करो, मंदिर के अंदर त्रिशूल रख दो, डमरू रख दो और खड्ग रख दो और शंख चक्र भी रख दो, और मंदिर बंद करके दोनों लोग अपने अपने इष्ट की आराधना करो रात्रि भर, प्रातः काल भगवान जो रूप धारण कर लेंगे वही मान लिया जाएगा और उनको मंदिर सौंप दिया जाएगा। अब तो महाराज शंख चक्र भी रखा गया, त्रिशूल रखा गया, डमरू रखा गया, सब हुआ। अब जो कार्तिकेय के भक्त थे वो सब अपने कार्तिकेय भगवान की उपासना करने लगे, भजन गाने लगे, कीर्तन करने लगे। रामानुज स्वामी 1000 शिष्यों को लेकर के भगवान श्री हरि नारायण का स्तवन करने लगे। तो भगवान ने रामानुज स्वामी से उनके अंतर हृदय में कहा कि देखो भाई, आप मेरा उद्धार करने आए हो तो आप कुछ करो। रामानुज स्वामी ने कहा हम क्या करें, हम तो बाहर बैठे। तो भगवान ने कहा आओ और मंदिर में आकर के ये शंख चक्र मेरे हाथों में लगा दो। तो बोले रामानुज स्वामी ने कहा मंदिर बंद है मैं कैसे आऊं, आप स्वयं उठा करके लगा लो। तो भगवान ने कहा मैं मूर्ति रूप में हूं, मैं कुछ नहीं करता, मूर्ति रूप में जब मैं रहता हूं तो मैं अपने से कुछ नहीं करता, भक्त नहावें तो हम नहाते हैं, वो खिलावें तो हम खाते हैं, वो आरती करें तो हमारी आरती होती, हम अपने से कुछ नहीं करते।
अगर आपको करना हो तो करो। तो रामानुज स्वामी ने कहा मैं कैसे आऊं, मंदिर तो बंद है। तो भगवान ने कहा कि आप शेषावतार हो, आप शेषनाग हो, एक रूप से आप वहां बैठे रहो और सर्प रूप से नाली के रास्ते से भीतर चले आओ। तो रामानुज स्वामी एक रूप से तो बाहर बैठे थे सभा में और दूसरे रूप से नाली के माध्यम से सर्प का रूप धारण करके मंदिर के अंदर गए और जाकर के उन शंख चक्रों को उठा करके भगवान की भुजा में धारण करा दिया। भगवान की भुजा में जब धारण करा दिया तो भगवान ने कहा स्वामी जी आपने मेरी भुजाओं में शंख चक्र लगाया है, जो शंख चक्र लगाता है वो तो गुरु होता है, तो मैं तो आपको गुरु मानता हूं। तो भगवान ने रामानुज स्वामी को गुरु मान लिया। तो भगवान के आचार्य रामानुज हो, तो रामानुज स्वामी भी बड़े चतुर, भक्त तो बड़े चतुर होते। तो रामानुज स्वामी ने कहा प्रभु जब आपने हमको गुरु मान लिया तो एक काम और करिए। बोले क्या? बोले गुरु दक्षिणा दीजिए। हाँ, गुरु से तो गुरु को तो दक्षिणा मिल ही जाएगी, तो आप मुझे कुछ दक्षिणा दो। तो भगवान ने कहा कौन सी दक्षिणा आप लोगे, अब आप बताओ। कोई साधारण चेला तो थे नहीं, साधारण चेला से कहो भाई इतना दे दो तो कहां दे पाएगा उसकी जितनी क्षमता, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, इसलिए भगवान ने कहा आप जो मांगो हम देंगे। जब आप गुरु ही बन गए और मैं ही शिष्य बना तो आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो रामानुज स्वामी ने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी। रामानुज स्वामी ने भगवान से कहा हे प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूं कि जो भी मेरा संबंधी हो, अस्मत् संबंध संबंधी चरमावधि आवत, मेरा संबंधी मेरे शिष्य का शिष्य, शिष्य का शिष्य, कोई भी व्यक्ति मेरी परंपरा में हो जो मुझे अपना आचार्य मानता हो, उसके कर्मों का बिना विचार किए आप उसे अपने चरण में स्वीकार कर लेंगे, यही गुरुदक्षिणा आप देंगे। तो भगवान तिरुपति बालाजी से भगवान रामानुजाचार्य ने यही गुरुदक्षिणा प्राप्त की। इसीलिए आज भी हमारे रामानुज संप्रदाय में यह सिद्धांत है कि जो इस परंपरा से जुड़ा, जो अपने को रामानुज का अनुयायी मानता है, उसका मोक्ष तो कन्फर्म है, क्योंकि भगवान ने स्वामी जी को यही दक्षिणा दी है, कहा है कि जो तुम्हारा संबंधी होगा उसे मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार तिरुपति बालाजी को भगवान के रूप में रामानुजाचार्य ने स्थापित किया और फिर उसी समय से राजा ने वो मंदिर सौंप दिया। बोले महाराज अब आप पूजा व्यवस्था करो। तो आज भी वहां जो पूजा व्यवस्था होती है रामानुज स्वामी के निर्देशानुसार ही चल रही है और रामानुज स्वामी ने अपने दो शिष्यों को वहां नियुक्त किया। एक शिष्य को बड़ा जीयर कहते हैं और छोटे शिष्य को छोटे जीयर कहते हैं, उन्हीं के देखरेख में सारी पूजा होती है। आज भी वहां जब वो बदलते हैं तो दूसरे जीयर की नियुक्ति होती है और वहां जब भगवान की सवारी निकलती है ब्रह्मोत्सव में तिरुपति बालाजी की, तो दोनों जीयर आगे आगे चलते हैं त्रिदंड लेकर के। वो रामानुज स्वामी के प्रतिनिधि आज भी नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में सारे नियमों से भगवान